बिस्मिल्लाह अल-रहमान अल-रहीम। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस। अब आप लोगों को अगर पता हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1/4 है। कहने का मतलब हर 100 ह्यूमन बीइंग्स, हर 100 इंसानों में से 25 इंसान मुस्लिम्स हैं, अगर हम रिलीजन की बात करें। तो जब रिलीजन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स, दैट ऑफ मुस्लिम्स। तो इस केस में इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो आपने अगर सुना हो शरिया प्रिंसिपल्स, जो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं या शरिया प्रिंसिपल्स हैं, इनको, इन वैल्यूज को, इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अल्टीमेटली जो ये इस्लामिक फाइनेंस है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज शरिया या इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। वैसे इस्लामिक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, इस्लामिक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, एजेस पुराना है, लेकिन स्टिल इसने जो पकड़ बनाई वो पिछले 30 साल मान लेते हैं, या आप कह देते हैं टेक एन एग्जाम्पल 90s ऑनवर्ड जो है काफ़ी हद तक इसमें टूल बनी, इसमें 90s ऑनवर्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। किस चीज़ में? इस्लामिक फाइनेंस के नए नए प्रोडक्ट्स लाना और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक बैंक्स बहुत ज़्यादा खुले इस दौरान। तो बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस का, इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इस्लामिक बैंक्स का भी ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई जिनको पैसा चाहिए उनको, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज दिलाएं। प्लीज़ ध्यान देना, जिनके पास पैसा नहीं है ज़रूरी उनको हम कैश नहीं देते, ये लोग इनको वो रिसोर्सेज ही दिला देते हैं जो इन्होंने प्रोक्योर करने हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग या कन्वेंशनल बैंकिंग में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो असेट या रिसोर्स बेस्ड है, मनी बेस्ड नहीं है, मतलब कैश बेस्ड नहीं है। बेसिकली ये क्या करते हैं, इस्लाम कहता है दैट मनी, कैश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग द रिसोर्सेज। कैश जो है, मनी जो है, उससे सिर्फ रिसोर्सेज एक्सचेंज की जा सकती है। और इस्लामिक फाइनेंस जो है, इस्लाम जो हमारी होली बुक है कुरान, आप लोगों ने अगर सुना हो, और शरिया जो है उनको फॉलो करते हैं, जो उनके शरिया के प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, अस सुन्ना के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। नाउ शरिया क्या चीज है, अब आप कहेंगे व्हाट इज शरिया सर जी? शरिया इज द इस्लामिक लॉ। तो बेसिकली जो ये इस्लामिक फाइनेंस है ये इन्हीं चीज पे, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और बेसिकली यहां पर जो है ये कहते हैं, देखो भाई अल्टीमेटली मनी इज जस्ट अ मींस ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस, मनी इज जस्ट अ मींस ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस। तो टेक एन एग्जांपल अगर हम लोग कंपेयर करें किसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को, तो उसमें फर्क क्या है? इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के जो फर्क है उसकी अगर मैं बात करूं, तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली इंटरेस्ट, या उसको वो लोग कहते हैं रिबा, इंटरेस्ट या रिबा जो है प्रोहिबिटेड है। बेसिकली ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स को लोन चाहिए, मिस्टर एक्स जो है क्लाइंट है, मिस्टर एक्स कहते हैं मुझे लोन चाहिए, मुझे कैश दे दो, बैंक जो है उन्हें लोन दे देता है, कैश दे देता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से 1 लाख करेंसी देता है, कोई भी करेंसी हो, तो 1 लाख करेंसी देता है, और फिर उसके बाद कहता है जी मुझे 10% पर एनम की रिटर्न के हिसाब से इसके साथ, इंटरेस्ट के साथ मुझे पे करना। लेकिन फर्क क्या है, ये तो है कन्वेंशनल बैंकिंग, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो ये लोग इंटरेस्ट या रिबा, RIBA, इनको प्रोहिबिट करते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस क्या कहता है, वो प्रोहिबिट करता है इंटरेस्ट या रिबा को। वो कहता है इंटरेस्ट या रिबा जो है ना तो रिसीव हो सकता है, ना पे हो सकता है, ना रिसीव करना अलाउड है, जो बोरोअर्स है उनसे ये इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे, ना ये इंटरेस्ट पे करेंगे डिपॉजिटर्स को। बेसिकली जो ये इस्लामिक फाइनेंस है, इट इज बेस्ड ऑन द एथिकल एंड मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ शरिया। और ये शरिया वर्सेस, शरिया के जो कोर्ट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, इस्लामिक ये शरिया है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं,
वो आए हैं होली कुरान से, जो कि आपको पता है मुसलमानों के, मुस्लिमों की जो है होली बुक है, जैसे हिंदुओं की गीता होती है भगवद गीता, इसी तरीके से जो है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की होती है, इसी तरीके से जो है होली कुरान एज वेल एज अस सुन्ना, ये होली बुक्स ऑफ द मुस्लिम्स है। तो उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ट्रेडिशनली बैंकिंग सिस्टम वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी सच प्रिंसिपल्स, और ये लोग रिबा या इंटरेस्ट को प्रोहिबिट करते हैं, तो यार ये तो बैंकिंग सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो भाई ऐसा है, ट्रेडिशनली कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था, लोग लोन लेते थे और उस असेट को अपने नाम पे खरीदते थे और फिर उस असेट को चार्ज या मॉर्गेज कर देते थे, लेकिन जितना सारा रिस्क होता था, सारा रिस्क जो है इन्हीं का, जो बोरोअर होता था उसका होता था। लेकिन यहां पर क्या है, जो लेंडर है, वो लेंडर जो भी फाइनेंसर है इस्लामिक फाइनेंस में, वो बंदा ही इज नॉट लेंडिंग कैश या मनी, ही इज लेंडिंग द असेट। इसका सिस्टम ही अलग है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये लो कैश, आप असेट खरीद लो, वो कहता है मैं असेट खरीद के आपको दे देता हूं। तो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर ये हो रहा है कि इन्होंने साफ तौर पे बोल रखा है हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको असेट दे देंगे। अब ये सिस्टम कैसे होता है, वील डिस्कस इट इन डिटेल, बट एक चीज साफ है कि ये कहते हैं कि देखिए हम आपको अगर हम लोग असेट देंगे तो वो बेसिकली नॉट फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस, एंड नॉट फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस को मैसीर कहते हैं, एंड नॉट फॉर अनसर्टेनिटी, किसी चीज में अनसर्टेनिटी है या घरार है उसके लिए नहीं देंगे, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी। और इवन कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, वील डिस्कस प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स आफ्टर अ वाइल, उनके लिए भी नहीं देंगे। कहने का मतलब मैं अभी बता देता हूँ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एल्कोहल अगर बनाना है, खरीदना है, बेचना है, उसकी ट्रेडिंग करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी स्टोरिंग करनी है, आर्म्स एंड आर्ममेंट्स को बनाना है, उसको ट्रेड करना है, उसको बेचना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं। पोक जो पिग का मीट होता है उससे रिलेटेड कोई भी काम है, ठीक है जी, और कोई अदरवाइज सोशली डेट्रीमेंटल काम, कोई भी ऐसा काम जो कि दुनिया को, जो भी आसपास लोगों को नुकसान करेगा इसके अलावा, उनको भी वो प्रोहिबिट करता है। बेसिकली ये लोन देते हैं, कैश नहीं देते, ये असेट देते हैं, दे गिव असेट, दे परचेज द असेट एंड गिव द असेट टू द अदर पर्सन, द बोरोअर, ठीक है जी। यहां जो है इनका रिस्क है, किस चीज का रिस्क है, दे हैव अ रिस्क कि भाई कहीं अगर लॉसेस हो गए तो मेरे भी लॉसेस होंगे। तो बेसिकली इन केस ऑफ ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा सिस्टम नहीं था। ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या सिस्टम होता था, उसमें जो रिस्क होता था वो सारा का सारा बोरोअर का रिस्क था एंड नॉट ऑफ लेंडर। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो पुराने जमाने से इस्लाम ने कहा है कि देखिए जो मनी है या कैश है, दैट हैज ओनली वन पर्पस, एंड दैट पर्पस इज बेसिकली ट्रांजेक्शन को एनेबल करना। तो कोई अगर उस पर इंटरेस्ट या रिबा करता है, अर्न करता है, भाई आपने अल्टीमेटली कैश जो है ट्रांजेक्शन को एनेबल करने के लिए रखी हुई है। अल्टीमेटली अगर आपने कुछ करना है यहाँ इस्लामिक फाइनेंस में एज अगेंस्ट, अब आप कहोगे सर जी यहाँ रिबा या इंटरेस्ट अगर मना है तो फिर कैसे कमाएंगे इस्लामिक बैंक, दे अर्न प्रॉफिट्स, दे टेक द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ हाउ इट गोज वी विल सी दैट डिटेल में अभी।